एपिसोड 906 विवेक क्यों आया। सखी को लेकर वो टेम्पो आगे चली गई थी और करण लगातार उसके पीछे चल रहा था क्योंकि वो एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उससे किसी तरह की कोई चूक हो जाए और उसके सारे किए कराए पर पानी पड़ जाए। रास्ते से ही करण ने सुमेर को कॉल किया। फोन पर वो बोला, सुमेर मैं निकल गया हूँ, तुम तैयार हो ना? फोन के दूसरी तरफ से सुमेर ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन सुनो पाली पहुंचकर मुझे एक बार फोन कर देना, सीधा हवेली मत आ जाना, मैं दूसरे रास्ते से उसे अंदर लाने का इंतजाम करूंगा क्योंकि फिलहाल वो सामने के रास्ते से हवेली के अंदर नहीं आ सकती, तुम समझ सकते हो ना? करण बोला, हाँ हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ और मुझे ये भी याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि शमशान के पास से एक रास्ता तुम्हारी हवेली को जोड़ता है। मैं एक काम करूंगा, मैं शमशान के पास आकर तुम्हें फोन करूंगा क्योंकि हमें भीतर लेने के लिए तुम उसी रास्ते से ही कोई इंतजाम करोगे ना? सुमेर ने कहा, शाबाश तुम सच में बहुत समझदार हो। करण ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने मन में बोला, समझदार तो मैं सच में हूँ लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी हालत देखकर पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलत घोड़े पर दाव लगा दिया है। मुझे शुरू से ही माई के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए था, मुझे कभी तुमसे हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा भला मुझे माई के साथ का ऑप्शन मिला था लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैं तुम्हारी तरफ आ गया। खैर कोई बात नहीं, आखिर तुम भी तो उनके लिए ही काम करते हो और मुझे इतना यकीन तो जरूर है कि एक बार अगर मैं उनके आमने सामने आ जाऊंगा तो फिर मैं उन्हें अपनी तरफ कर लूंगा और उन्हें एक बार फिर मुझ पर यकीन हो जाएगा। इतना कहते हुए करण ने अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किया जिस पर उसकी और पूजा के साथ वाली तस्वीर वॉलपेपर पर लगी हुई थी, जिसे देखते ही उसकी आंखें भर आई और करण बोला, मुझे माफ कर दो पूजा, शायद तुम्हारी मौत मेरी वजह से हुई थी। अगर मैंने उस दिन तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं भेजा होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। मैंने तो बस घूमने जाने का एक प्लान बनाया था और इसीलिए मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ भेजा, लेकिन मेरा यकीन करो जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, जब तक मैं उन लोगों को तड़पा कर नहीं मारूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही तुम्हें कभी इमोशनली अपने आप से दूर होने दूंगा। दूसरी तरफ ध्रुव अपने दोस्तों के साथ जुल्मी के घर जाने के लिए निकल चुका था और रास्ते में चेरी ने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे हवेली चले जाना चाहिए। उस वक्त मैंने ठकुराइन के साथ जाने से मना कर दिया था तो मुझे पता है कि उन्हें बुरा लगा होगा, बट बाद में ये अच्छा हुआ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तो अब मुझे लगता है कि मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। चेरी की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, ठीक है तुम जाओ और सुनो। चेरी बोली, हाँ बोलो। ध्रुव ने कहा, सुमेर पर खास नजर रखना क्योंकि सुमेर अब एक घायल शेर की तरह हो गया है, ऐसे में वो शांत तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। चेरी बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो मैं ध्यान रखूंगी। चेरी ने फिर छलावा की तरफ देखा और बोली, तुम भी अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चेरी वहां से चली गई। चेरी जब हवेली पहुंची तो उसने देखा कि ठकुराइन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चेरी ने उनके कमरे में भी देखा लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखे। तभी उसे एक नौकर दिखाई दिया तो चेरी ने उससे पूछा, सुनो ठकुराइन कहाँ है, तुमने उन्हें कहीं देखा है क्या? नौकर ने कहा, जी नहीं हमने तो उन्हें नहीं देखा लेकिन वो अभी थोड़ी देर पहले बगीचे में ही थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ गई। चेरी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा सुमेर कहाँ है, क्या ठकुराइन सुमेर के साथ कहीं गई हैं? मेरा मतलब है मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है लेकिन ये तो पता होगा ना कि सुमेर कहाँ है, वही बता दो। नौकर ने कहा, छोटे मालिक तो अपने कमरे में गए थे, वो अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से लौटे थे और कुछ परेशान से भी लग रहे थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। चेरी ने कहा, ठीक है तुम जाओ मैं देख लूंगी। नौकर वहां से चला गया। चेरी अपने मन में बोली, परेशान, अरे वो तो पागल हो रहा होगा, लेकिन ये ठकुराइन कहाँ चली गई, इस वक्त तो उन्हें अपने लाडले बेटे के आसपास होना चाहिए था। खैर छोड़ो, अच्छा है कि वो नहीं है, अब मुझे जरा सुमेर के हाव भाव कैसे हैं ये जानने का सही मौका मिल जाएगा। इतना सोचती हुई चेरी सुमेर के कमरे की तरफ बढ़ी। सुमेर का कमरा खुला हुआ था। चेरी ने बाहर से झांक कर देखने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, शायद सुमेर इस वक्त कमरे में नहीं है, एक बार अंदर जाकर देख लेती हूँ और अगर होगा भी तो मैं ठकुराइन का बहाना बना लूंगी कि उन्हें ढूंढती हुई आई हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। ये सोचती हुई चेरी आहिस्ता से सुमेर के कमरे में गई और जैसे ही उसने दरवाजे से आगे अपने कदम बढ़ाए उसके पीछे से दरवाजा धम से बंद हो गया। चेरी ने घबराते हुए पीछे पलट कर देखा तो सुमेर दरवाजे पर खड़ा था। चेरी ने देखा कि सुमेर ने ही दरवाजा बंद किया था। सुमेर दरवाजे से अपनी पीठ को टिकाए अपने हाथों को बांधे हुए चेरी की तरफ देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है,
आजकल तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। चेरी ने नाराजगी से कहा, ये क्या तरीका है, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? सुमेर ने कहा, पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो, तुम्हें आजकल मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? चेरी ने कहा, ये क्या बकवास है, भला मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? सुमेर बोला, अगर मेरी फिक्र नहीं है तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? चेरी ने कहा, मैं तो बस ठकुराइन को ढूंढ रही हूँ, तो तुम किसी गलतफहमी में मत रहो। सो प्लीज अब तुम्हारा हो गया हो तो मुझे बता दो कि ठकुराइन कहाँ है, और सबसे पहले तो ये दरवाजा खोलो। सुमेर एक एक कदम बढ़ाता हुआ चेरी की तरफ बढ़ने लगा और चेरी पीछे खिसकती रही। चेरी ने कहा, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, सुमेर मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमेर एकदम से चेरी के नजदीक गया और उसकी कलाई को पकड़ता हुआ बोला, तुमसे बुरा तो और कोई हो भी नहीं सकता। तुम क्या, तुम्हारी पूरी गैंग से बुरा और कोई नहीं हो सकता। वैसे देख रहा हूँ आजकल तुम्हारे हाव भाव के साथ साथ बाकी चीजें भी बदल रही हैं। इतना कहते हुए सुमेर ने अजीब तरीके से चेरी को ऊपर से नीचे तक देखा। चेरी ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, तमीज से बात करो सुमेर। इतना कहती हुई चेरी ने उस पर जैसे ही अपना हाथ उठाया, सुमेर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसका हाथ मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बोला, दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हुआ करता था। इतना कहते हुए सुमेर जबरदस्ती चेरी के कानों के पास जाकर कुछ बोलने को हुआ ही था कि चेरी ने जोर से उसके पैर पर अपना पैर मारा और सुमेर छटपटाते हुए चेरी से दूर हो गया। वो अपना पैर हाथ में लेकर एक पैर पर कूदता हुआ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं। सुमेर एकदम से चेरी को अपने हाथों में पकड़ता हुआ उसे दीवार के पास लेकर चला गया और उसे दीवार से चिपका कर खड़ा कर दिया। वो गुस्से में बोला, आजकल तुम्हारे बहुत पंख निकल आए हैं ना, अब तुम्हारे पंख को तो काटना ही पड़ेगा। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हें वो इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है ना, तुम्हारी जैसी लड़की से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। इतना कहते हुए सुमेर ने एकदम से चेरी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने बेड की तरफ लेकर बढ़ने लगा। चेरी चीखते हुए बोली, सुमेर छोड़ो मुझे, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। लेकिन शायद बाहर कोई नहीं था, और अगर कोई था भी तो शायद जानबूझकर वो चेरी की आवाज को अनसुना कर रहा था। दूसरी तरफ ध्रुव और उसके दोस्त जुल्मी के घर पहुंच चुके थे। वो सब जुल्मी और उसकी फैमिली के साथ अच्छे से घुलमिल कर बातचीत कर रहे थे। लड़कियां तो बच्ची के आसपास से हट ही नहीं रही थी। तभी ध्रुव का मोबाइल बजा। ध्रुव ने देखा इंस्पेक्टर विवेक का कॉल था। इतने टाइम के बाद विवेक का कॉल देखकर ध्रुव ने कहा, इंस्पेक्टर विवेक का कॉल, ऐसी भी क्या बात हो सकती है? अनन्या ने ध्रुव की गोद से बच्ची को उठा लिया और बोली, इतनी देर से इस पर तुमने एक छत्र अधिकार करके रखा हुआ है, अब लाओ इसे हमें दो, थोड़ी देर हम लोग भी इसके साथ खेल लेंगे, तुम जाओ अपना फोन उठाओ। ध्रुव ने कहा, मैं अभी गया और अभी आया, उसके बाद देखना मेरी प्यारी भांजी तुम लोगों के पास जाएगी भी नहीं। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, हम भी देखते हैं, जब तक तुम लौट कर आओगी तब तक हम इसे अपनी तरफ कर लेंगे, क्यों मेरी नन्ही सी परी। ध्रुव हंसता हुआ साइड में चला गया और उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, विवेक बोला, कहाँ हो तुम? ध्रुव ने कहा, जी वो हम अपने दोस्त के यहाँ आए हैं, दरअसल उसकी अभी अभी बच्ची हुई है, मैंने बताया तो था आपको, बस हम सब वहीं पर आए हैं, आपको कुछ काम था? विवेक ने कहा, नहीं नहीं कुछ काम नहीं था, दरअसल मैं पाली की तरफ ही आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, बस इसलिए कॉल कर लिया था। ध्रुव ने कहा, हाँ तो आ जाइए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवेक बोला, ठीक है तो मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है तो मैं आपको पंचायत भवन के पास मिलूंगा। ध्रुव ने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट किया, छलावा और विक्की उसके इर्द गिर्द खड़े नजर आए। छलावा ने कहा, क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? विक्की बोला, कहीं कोई फिर से तो नाटक शुरू नहीं हो गया? ध्रुव ने कहा, अरे सब ठीक है, दरअसल इंस्पेक्टर साहब अपने किसी काम से इस तरफ आए थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पाली आकर हमसे भी मिल लेंगे, लेकिन तुम लोग भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। विक्की बोला, देख भाई मैं तो साफ और सीधी बात करता हूँ, इन पुलिस वालों की तो ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी, बेमतलब में मिलना जुलना ठीक नहीं है। ध्रुव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी हम समझ गए सर जी। उसके बाद भी लोग एक बार फिर जुल्मी की फैमिली के साथ घुल मिल गए और करीब आधे घंटे के बाद विवेक का दोबारा कॉल आया कि वो पंचायत भवन के पास पहुंच चुका था और ध्रुव का इंतजार कर रहा था। ध्रुव तुरंत ही बाइक लेकर वहां से निकल गया। पंचायत भवन पहुंचने पर ध्रुव ने देखा कि इंस्पेक्टर अकेला ही था और ध्रुव का ही इंतजार कर रहा था। ध्रुव ने कहा, वैसे इस तरफ आपका क्या काम था, यहाँ पर सब ठीक तो है?
अब क्या है कि पाली के अलावा आसपास के लोगों का भी कुशल मंगल रहना जरूरी है। विवेक ने कहा, हाँ सब ठीक तो है, वो दरअसल एक अजीब सा कॉल आया था कि एक टेम्पो में से किसी की आवाज आ रही थी, जैसे कि उस टेम्पो के अंदर कोई बंद था और जब किसी सिग्नल पर वो टेम्पो रुका तो आसपास के गाड़ी वालों ने उस टेम्पो के भीतर से किसी की आवाज सुनी थी और उन्हीं में से एक ने हमें कॉल करके इसके बारे में बताया था और हाईवे की तरफ हम उसी सिलसिले में छानबीन करने आए थे। वहां हमें पता चला कि वो टेम्पो पाली के बाहर जो कस्बे की तरफ रास्ता जाता है वहां तक आए है, तो हम वहां तक आए ही थे तो हमने सोचा कि तुमसे भी मिलना हो जाएगा। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे ये कैसा मामला है, तो आपको कुछ पता चला कि कौन था उस टेम्पो में? विवेक ने कहा, नहीं कुछ पता नहीं चला, शायद टेम्पो निकल गया था, लेकिन सबसे पहले मेरा ध्यान और लड़कियों की तरफ गया। मैंने एक हवलदार को सुमेर के पीछे लगातार लगाया हुआ है और हवेली पर भी नजर रखवा रहा हूँ। उनसे भी मेरी बात हुई तो पता चला कि उसकी तरफ से फिलहाल तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है, बल्कि सुमेर किसी लड़की से मिलना तो छोड़ो, वो तो अपनी हवेली से निकला ही नहीं है। शायद वो आज सुबह अपनी हवेली से निकला था और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गया था। ध्रुव ने कहा, ओह अच्छा, मतलब ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। विवेक ने कहा, हाँ हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा जानवर की तस्करी का मामला हो सकता है, इसलिए हमने इसके बारे में एक कंप्लेंट आके भेज दी है। अब देखते हैं क्या होता है। और सच कहूं तो मैं इसलिए भी यहाँ आया था क्योंकि मैं एक बार फिर से पर्सनली हवेली जाना चाहता था। ध्रुव ने कहा, हवेली लेकिन क्यों? विवेक बोला, कुछ काम था और मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो। ध्रुव ने कहा, लेकिन बताइए तो सही कि आपको हवेली में क्या काम है। विवेक बोला, तुम चलो तो सही, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ अकेले ही आया था। ध्रुव बोला, ठीक है चलिए। ध्रुव और विवेक दोनों ही हवेली के लिए निकल गए।